नमस्कार दोस्तों, अर्ली उठ पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए इस वीडियो में बात होगी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके कॉन्टेक्स्ट में कई सारे कमेंट आए हुए हैं, उस पॉइंट पर बात करेंगे। इस वीडियो में यही बात होगी दोस्तों, और साथ ही साथ 100% की गारंटी है यदि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे जो हम इस वीडियो में बताएंगे, तो आपको लोन या क्रेडिट कार्ड का जो टेंशन है, परेशानी है, इनसे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ बात करेंगे लोन मोरेटोरियम वाली जो केस थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था, उसको एक बार फिर से हम बात करेंगे, क्योंकि कमेंट आप लोगों ने किया हुआ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ऑर्डर का PDF चाहिए, जजमेंट का PDF चाहिए, तो अभी इस वीडियो में आगे बात करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आखिर सुप्रीम कोर्ट पर जाने से पहले, यदि आप अर्ली उठ पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यहां से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कुछ पूछना हो कमेंट। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे, देखिए यहां पर कल के डेट में कुछ कमेंट आई हुई थी, कमेंट तो कई सारे थे, लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट कमेंट था जिससे कि बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा, इसलिए हम लोगों ने ये 3 कमेंट लिया हुआ है और वीडियो को ध्यान से देखेगा। तब तक हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि आपने अभी तक मोरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग अप्लाई नहीं किया और अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर वेबसाइट दिया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम वेबसाइट पर आपको PDF भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, पोस्ट देखिएगा आप, इधर आर्टिकल देखिएगा 23 मार्च 2021 का, ठीक है, आर्टिकल में उधर दिया हुआ है। अभी आगे बात करते हैं, देखते हैं अब इधर ओपन भी हो गया होगा, बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कल के डेट में जो कमेंट, कल के डेट का कमेंट है, ये देखिए 15 आवर्स एगो का है, तो इसमें कमेंट क्या आया हुआ है दोस्तों, ये देखिए ये कमेंट करके बोल रहे हैं आई हैव लोन फ्रॉम SBFC फाइनेंस एंड दे हैव ऑल्सो फाइल्ड। यानी आपको, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं जो किसी NBFC से आपका लोन है और उन्होंने कुछ फाइल कर दिए, आपको ऐसा लगता है, हो सकता है आपको उन्होंने नोटिस दिया होगा लेकिन आप उसको समझ गए कि जो आपके ऊपर उन्होंने केस कर दिया, आप ये बोल रहे हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। और हरनेक सिंह है, ये पूछ रहे मनी व्यू वाले तो जेल की धमकी दे रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे, मनी व्यू वाले आपको जेल की धमकी दे रहे हैं, आगे बात करेंगे। उसके बाद एक कमेंट और है अनामिका शाह का, ये फिर पूछ रही है जो सर इन केस 31 मार्च 2021 तक स्टैंडर्ड नहीं है तो 100% मोरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग नहीं मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट पर बात करेंगे, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ क्लियर कर देंगे जो आप ढेर सारी चीज़ सीख जाएंगे। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो कमेंट था दोस्तों, किसका कमेंट था, ये वी एन चैरी का जो कमेंट था दोस्तों ये कमेंट करके इन्होंने पूछा था SBFC से इसका लोन चल रहा है और उन्होंने कुछ फाइल कर दिया, देखते हैं क्या कुछ होता है। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इस सभी पॉइंट पर बात करेंगे। देखिए लोन मोरेटोरियम और रीस्ट्रक्चरिंग ये एक टेम्प्रोरी रिलीफ है, ये क्या है दोस्तों, ये टेम्प्रोरी रिलीफ है, और यदि परमानेंट रिलीफ चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यदि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट कर लीजिएगा। 1250 रुपये से स्टार्ट है, इसमें आपको आपकी जो समस्या है लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, सिविल स्कोर से रिलेटेड है, कई सारे क्वेरीज हैं दोस्तों जो आपके जहन में चल रहा होगा, समस्या चल रही होगी जहन में, क्वेश्चन चल रहा होगा, उन सभी क्वेश्चन का इधर आंसर भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक अर्निंग का सॉल्यूशन देंगे जिससे आपकी अर्निंग जो है दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं आप, अर्निंग स्टार्ट करेंगे तो इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे 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 वो इंक्रीज होता जाएगा, तो स्टार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से प्रोसेस कर लीजिएगा। इधर और लिंक दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर, लेट मत करना, लेट करोगे तो फिर आपको ही दिक्कत परेशान, फिर परेशान रहोगे आप। ठीक है, स्टार्ट कर लीजिएगा, और आपको यदि बिजनेस डाउन भी होगा तो हम लोग सपोर्ट भी कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखा ये स्टार्टिंग प्राइस है 1250 से। ठीक है जी, चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं देखिए इनको VN Cherry का, सबसे ये इनका कमेंट है दोस्तों, ये पूछ रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं वो तो हमने समझ गए, लेकिन दे ऑल्सो फाइल्ड, आप पूछ रहे हो जो उन्होंने कुछ फाइल कर दिए, दे हैव ऑल्सो फाइल्ड केस, यानी मुझे जहाँ तक लगता है उन्होंने केस वगैरह तो अभी यार इस सिचुएशन में फाइल नहीं करेगा वो। ठीक है, बस आपको क्या कर सकता है वो नोटिस वगैरह सेंड किया होगा,
नोटिस सेंड किया होगा, आपका लोन जो है दोस्तों एनपीए में एनपीए हो गया होगा, ठीक है, या फिर आपको वो आपको बार बार कॉल कर रहा है, नोटिस वगैरह सेंड कर रहा है, तो आपको लगता होगा जो उन्होंने केस कर दिया। केस ये तो सिविल का मैटर है, सिविल यदि आपने ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने सपोज करो आपका लोन था 5 साल के लिए, ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर बताते हैं आपको, ठीक है, जैसे आपका लोन था 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, या आपका लोन था 3 ईयर्स के लिए, ध्यान से सुनते जाना यहाँ जो मैं बात बता रहा हूँ, या किसी का लोन था 1 ईयर्स के लिए, 1 ईयर्स के लिए तो था, लेकिन अब आप ये सोचो आपने 5 साल में आपने सपोज करो 1 ईयर्स का एक साल तक आपने ईएमआई पे कर दी, किसी का 3 साल तक था उन्होंने 1 साल तक ईएमआई पे करी, किसी का 1 साल तक था तो इन्होंने सपोज करो 5 ईएमआई पे कर दी यार, यानी आपकी इंटेंशन तो पे करने की है ना, ईएमआई को पे करने की, तभी तो आप ईएमआई पे कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो आप जानबूझ के आपकी जो विल है, ठीक है जी, आप जानबूझ के ईएमआई पे नहीं कर रहे हो, जानबूझकर पे नहीं कर पा रहे हैं, यानी इसका मतलब ये थोड़ी हुआ जो आप जानबूझकर नहीं पे कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ जो आपकी आपकी जो आपके पास क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ड्यू टू हो सकता है ये जॉब लॉस की वजह से हो, या हो सकता है आपका बिजनेस लॉस की वजह से हो, इसीलिए आप ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ जो आप जानबूझकर पे नहीं कर पा रहे हैं, समझ के बात को, दोनों में डिफरेंस है, मैंने बता दिया आपको। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यदि आपने कई सारे ईएमआईज पे कर दी हैं और अभी नहीं पे कर पा रहे ड्यू टू कोविड-19 का सिचुएशन की वजह से, तो फिर इस केस में बैंक मान लो आपके ऊपर कुछ बोल रही है, धमका धमकी दे रही होगी, दे रहा होगा आपको, नोटिस वगैरह भेज रहा होगा, लेकिन उसको नेगेटिव मत लीजिएगा, उसको बोलिए जो अभी मेरे पास सिचुएशन ख़राब है, सिचुएशन गंभीर है, और मैं अर्निंग करने की कोशिश करता हूँ, इनकम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा इनकम कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगी, इनकम स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि मान लो उन्होंने एनपीए कर भी दिया, और जितनी भी टाइम तक टिल द टाइम इन फ्यूचर यदि आपके पास एनपीए हो गया, बहुत सारा डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है, और आपके पास पूरा का पूरा पैसा जितना उसका आज के डेट तक आउटस्टैंडिंग था, टिल डेट आपका टोटल आउटस्टैंडिंग जितना भी है, तो उतना पूरा का पूरा आप पे कर दोगे, तो फिर आपका लोन तो क्या होगा, एनपीए से निकल कर तो फिर तो रेगुलर हो जाएगा यार, वो कभी भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, लोग ये नहीं सोचते हैं, लोग सिर्फ यही सोचते हैं मेरे पास नोटिस भेज दिया, इतने सारे लोन हो गए, अब नहीं कर पा रहे हैं यार, समस्या यहीं पर है, जो कोशिश ही नहीं करते हम इसको अर्निंग करने का, इनकम जो मैं बात बता रहा हूँ, इनकम इनक्रीज, अब आपके हाथ में वो सारे चीज़ अवेलेबल होते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है जो आपको राइट डायरेक्शन दिखाने वाला कोई भी नहीं है। यदि कोई है तो वो सिर्फ अर्लीवुड है, अर्लीवुड की बात मानोगे तो आप सही डायरेक्शन पर रास्ते पर सही तरीके से चलेंगे, सही तरीके से नहीं चलेंगे तो कभी इधर गिरेंगे, कभी उधर गिरेंगे, कभी गड्ढे में गिरेंगे, फिर परेशान होंगे, फिर एक्सीडेंट होगा, फिर दिक्कत पे, अरे मतलब बताने ये समझा रहे हैं आपको, बता रहे हैं, ठीक है, बता एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है, कहने का मतलब सही डायरेक्शन, सही डिसीजन, सही लोगों से रहिए, मिलिए, और जो गाइडेंस है, जो खुद से सोच के देखिए ये सारी चीज़ें, तब आपको मालूम चलेगा जो हमने आपको जो बात बताई है 100% सही बात बताई है, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या करना, वीएनचारी आपको इससे घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, उन्होंने आपके ऊपर केस, इस सिचुएशन में यार कोर्ट में इतने सारे पेंडेंसी है केस का, इतना आज की डेट में आप मान लो एक्सेप्ट भी होती है आपका एप्लीकेशन, तो उसको डेट मिलते काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा यार, उतने पैसे बैंकों के पास भी, बैंक क्या फ्री में थोड़ी एडवोकेट, बैंकों की जो वकील है उनको भी समझो बात को, ये सारी चीज़, तो अभी केस वो नहीं कर सकता। हाँ, डिफ़ॉल्ट जरूर कर दिया होगा, एनपीए वगैरह में डाल दिया होगा, जब आप उसका पेमेंट करेंगे तो वो एनपीए से निकाल कर स्टैंडर्ड या रेगुलर कर देगा, टेंशन वाली बात इतनी ही है। यदि सिक्योर लोन है तो उस केस में बैंक आपको थोड़ा ज़्यादा परेशान, बैंक परेशान नहीं करेगा, आप को टेंशनबाजी होगी, तो कोशिश यही करना है यार इनकम को बढ़ाने का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं, केस वेस का चक्कर जो है दोस्तों उनसे कोशिश करो ये रखने, लेकिन मेन जो बात है आप उस पर कोशिश कीजिए फोकस करने का, जब इस पर फोकस कर लेंगे पैसा आ जाएगा तो फिर आप तो तुरंत भर दोगे यार। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर ये बोल रहा है
जो हरनेक सिंह है ये बोल रहे हैं मनी व्यू वाले तो जेल की धमकी दे रहा है। ये धमकी ही दे रहा है ना, जेल थोड़ी कर सकता है यार, वो तो धमकी दे रहा है क्योंकि यार उनका पैसा लिए हैं, उनका पैसा है, लोन है, तो यार इतना तो वो समझदार हो, धमकी दे रहा है तो आप बोलिए उसको, देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, आप धमका धमकी दोगे कुछ भी करोगे तो फिर कैसे होगा, तो बोलो जो आप धमका धमकी मत दीजिए, हम आपका पैसा तो दे ही देंगे, तो धमका धमकी देने से कुछ थोड़ी ही होगा, ठीक है, वो परेशान मत होइए। धमका धमकी निगेटिव, कभी भी कोई भी बैंक, ध्यान से रखिएगा एक चीज़, कोई भी बैंक वाला या NBFC या लोन ऐप कंपनी कभी भी यदि आपको ये बोलता है ज़्यादा इधर उधर वाली बात तो ऐसे बोल नहीं सकता लीगली, लेकिन यदि मान लो आपको किसी ने बोल दिया रिकवरी वाला कुछ परेशान आपको लगता है ये, तो मुद्दे की बात है, उसको आप कॉल को अटेंड कीजिए और उसको हकीकत वाली जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को बताइए और फिर जो है उसको पूछिए जो पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन को देने का कोशिश कीजिए। और जितना चीज़ मैं बात बताता हूँ आपको, इतना चीज़ यदि आपने बता दिया तो फिर यार जो कॉल कर रहा है वो तो 10वीं 12वीं पास है 12th पास है, ठीक है, वो या बहुत से बहुत होगा तो ग्रेजुएशन क्या होगा, ठीक है, जो कुछ भी होगा, तो उसको वो उसको जितना ऊपर से उसका फ्लोर मैनेजर बोलेगा बोलने के लिए वो वही करेगा, ठीक है, तो आप पैसा आउटस्टैंडिंग है वो पैसा ही मांगेगा, पैसा निकालने का ही कोशिश करेगा, लेकिन आपको इसे निगेटिवली लेना नहीं है, घबराना नहीं है आपको, निगेटिव थाट्स ला के मन में, निगेटिव गलत विचार ला के कुछ इधर उधर वो सब नहीं करना है। हाँ, यदि कोई बहुत ज़्यादा जैसे लोन ऐप वालों के केस में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आती थी पहले, अब का पता नहीं है, लेकिन ठीक है, तो अभी काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल हो चुका है, तो उस तरह का कोई एक्टिविटी करता है तो आप पुलिस वगैरह में भी जा सकते हैं, पुलिस वगैरह में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, यदि कोई आपको टॉर्चर वगैरह कर रहा है, डाटा लीक कर दिया जिससे आपका किसी बहुत कई सारे तरीके से आपको सोशल आपके कैरेक्टर पर दिक्कत पर आ गई, ठीक है, आपके साथ मेंटली फिजिकली हरासमेंट टॉर्चर वगैरह कोई कर रहा है, तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए, आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ कंप्लेन कीजिए और फिर जो है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी कानून के अनुसार, ठीक है, ये बात होगी। तो अभी तो यार वो धमका धमकी दे रहा, धमका धमकी से आपको डरने का नहीं है, ठीक है, धमका धमकी से मत डरिए। चलिए जी, दूसरा बात करते हैं। यहाँ पर ये अनामिका शाह पूछ रही है, ये क्या पूछ रही है, ये पूछ रही है जो सर 31 अगस्त तक NPA 31 अगस्त तक स्टैंडर्ड नहीं है तो 100% मोरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है जी, आप ये पूछो यदि आपका लोन अकाउंट 31 मार्च 21 तक स्टैंडर्ड नहीं है, ध्यान सुनेगा, स्टैंडर्ड इसका नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है तो इसमें कौन कौन सा केस एप्लीकेबल होगा, 0, 1 और 2 इन सब से बियॉन्ड एप्लीकेबल होगा, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों जो इसका लोन जो है सब स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, सब स्टैंडर्ड हो गया, यानी 90 दिन से ज़्यादा से इसका लोन क्या है, डिफ़ॉल्ट चल रहा है, तो इस केस में आपको RBI का रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 का बेनिफिट नहीं मिलेगा इस केस में यदि आपका लोन अकाउंट सब स्टैंडर्ड में चला गया, 90 डेज से ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट है या ठीक है, तो फिर बेनिफिट मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ है इसमें। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, और टेंशन फ्री रहिए, कुछ अर्निंग करने का कोशिश करो यार, थोड़ा थोड़ा करके उसका पैसा भी देते जाइएगा, जिसका भी लोन है उनसे आपका रेगुलर भी हो, लोन रेगुलर भी हो जाएगा, और याद रखिए कोशिश करो यार अर्निंग करने का, ये जो कई सारे लोन ऐप के से लोन लेते हैं और फिर नहीं भर पाते हैं तो दिक्कत होती है उस केस में, तो कोशिश कीजिए ना यार अर्निंग करने का, अर्निंग करोगे तो यार छोटा मोटा लोन तो लोग ऐसे ही, लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, जितना मैं बताता हूँ इसको कर लोगे तो अर्निंग भी कर लोगे, आप सीख भी लोगे, ढेर सारी चीज़ें सीख लोगे, तो सीखने के बाद तो यार आपको बहुत सारी बातें खुल जाएगी, ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को कर देते हैं फिनिश दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।